मिथ्रो नरुडो एके थ्रॉन चेस नामी एलियन प्रजाति से है। थ्रॉन की ब्लू स्किन, रेड आईज, व्हाइट यूनिफॉर्म और स्लीक हेयर स्टाइल इसे आइकॉनिक स्टार वॉर्स विलन का लुक देती है। स्टार वॉर्स के बाकी विलन और थ्रॉन में सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके काम करने का तरीका। थ्रॉन अपने दुश्मन को मारने से पहले उस पर तगड़ी रिसर्च किया करता था। इसका मानना था कि किसी भी दुश्मन को हराने से पहले उसके काम करने का तरीका पता होना चाहिए। थ्रॉन के इसी स्ट्रेटेजिक तेज दिमाग की वजह से इंपीरियल फोर्सेस में इसका रैंक इतना तेजी से आगे बढ़ा। थ्रॉन अपने फेल्ड सोल्जर्स को भी मारने के बजाय उन्हें अपनी गलती से सीखने का मौका देता था। यानी ये इतना भी बुरा विलन नहीं है, एटलीस्ट अपने लोगों के बीच। थ्रॉन को डेमोक्रेसी वाले कंसेप्ट से सख्त नफरत थी। उसका मानना था कि ये अवाम को इन्वॉल्व करके डिसीजन लेने के चक्कर में होने वाले काम भी नहीं होते। पलपतीन को थ्रॉन का ये एटीट्यूड भी काफी पसंद था। इंपीरियल मिलिट्री को ज्वाइन करने से पहले थ्रॉन अननोन रीजन में बसे चिस असेंडेंसी में काम किया करता था। अननोन रीजन में रहने वाले स्पीसीज को बाकी गैलेक्सी में क्या चल रहा है इसकी ज्यादा कोई खबर नहीं थी, और वाइस वर्सा। मानो इनकी अपनी अलग ही दुनिया है। क्लोन वॉर्स के दौरान चिस असेंडेंसी को तबाह होने से बचाने के लिए थ्रॉन मदद लाने नोन स्पेस में चला गया, जहां उसकी मुलाकात एनेकिन स्काईवॉकर से हुई। यस, थ्रॉन किसी जमाने में एनेकिन स्काईवॉकर के साथ मिलकर काम कर चुका है। थ्रॉन ने चिस मिलिट्री में काम करते हुए अपने लोगों के लिए बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि क्लोन वॉर्स के बाद गैलेक्टिक रिपब्लिक अब ट्रांसफॉर्म होकर गैलेक्टिक एम्पायर बन गया है, थ्रॉन फौरन इसकी छानबीन करने फिर से नोन स्पेस में चला गया। थ्रॉन ने एम्परर के सामने एक ऑफर रखा कि अगर वो उसे अपने इंपीरियल फोर्स का हिस्सा बनाता है तो बदले में थ्रॉन इन्हें अननोन रीजंस के बारे में नॉलेज देगा। एम्पायर को अननोन रीजंस के बारे में पता चलेगा और थ्रॉन को अपने लोगों का फ्यूचर बनाने एम्पायर का सपोर्ट मिल जाएगा। एम्परर ने यह ऑफर फौरन एक्सेप्ट कर लिया और थ्रॉन को ट्रेनिंग देने कोरोजान पर बनी रॉयल इंपीरियल एकेडमी में भर्ती करवा दिया। इस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद थ्रॉन एक निहायत ही सक्सेसफुल नेवी ऑफिसर बना। थ्रॉन के मेंटल और फिजिकल स्किल से इंप्रेस होकर एम्परर ने खुद इसे ग्रैंड एडमिरल का रैंक ऑफर किया। थ्रॉन से पहले आज तक किसी भी नॉन ह्यूमन ऑफिसर को ग्रैंड एडमिरल का दर्जा नहीं मिला था। यानी थ्रॉन गैलेक्सी का पहला एलियन ग्रैंड एडमिरल है। ग्रैंड एडमिरल का दर्जा मिलते ही थ्रॉन एम्पायर के 7th फ्लीट का कमांडिंग ऑफिसर बना। थ्रॉन काइमीरा नामी इंपीरियल फर्स्ट क्लास टास्क डिस्ट्रॉयर में सफर करता था। इसी दौरान लोथल सेक्टर में नई रिबेलियन पनप रही थी। कैप्टन हेरा सेंडुला का बनाया घोस्ट क्रू, जिसमें शामिल थे केनन जारस, सबीन रेन, जेब चॉपर और एज्रा ब्रिजर, बाद में अशोका टानोबिन के ग्रुप का हिस्सा बनी थी, यानी स्टार वॉर्स रिबेल्स एनिमेटेड शो की गैंग। ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन का ऑफिशियल स्मॉल स्क्रीन इंट्रोडक्शन भी स्टार वॉर्स रिबेल्स में ही हुआ था। स्टार वॉर्स कैनन का पार्ट बनने से पहले 90s में थ्रॉन से रिलेटेड काफी एक्सटेंडेड यूनिवर्स वाले स्टोरीज आए थे, लेकिन डिज्नी ने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज को खरीदने के बाद उन सारी एक्सटेंडेड स्टोरीज को मेन कैनन से हटा दिया। लेकिन ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन के फैन फॉलोइंग को देखकर आखिरकार डिज्नी ने डिसाइड किया कि वो इस कैरेक्टर को फिर से ओरिजिनल कैनन का हिस्सा बनाएंगे, उसकी स्टोरी चेंज करके। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। तो हम थ्रॉन की उन एक्सटेंडेड स्टोरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी उसका फ्यूचर स्टार वॉर्स यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। रिबेल्स के 3rd और 4th सीजन में थ्रॉन ने घोस्ट क्रू को जड़ से उखाड़ फेंकने की बहुत कोशिशें की। थ्रॉन रिबेल्स को अंदर से तोड़ने उनके मेंबर सबीन रेन पर तगड़ी रिसर्च करने लगा। फास्ट फॉरवर्ड टू सीजन 4, थ्रॉन और रिबेल्स के बीच चली फाइनल बैटल में जनाई पेडवन एज्रा ब्रिजर की मदद करने बर्गिल्स का झुंड चला आया। पर्गिल यानी हाइपर स्पेस में ट्रैवल करने वाले व्हेल्स। पर्गिल की मदद से रिबेल्स ने थ्रॉन की 7th फ्लीट की बैंड बजा दी। एज्रा और थ्रॉन काइमीरा के ब्रिज पर लड़ाई कर रहे थे कि तभी पर्गिल शिप समेत इन दोनों को खींचकर दूर कहीं हाइपर स्पेस में ले गए। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि पर्गिल थ्रॉन और एज्रा को कहां ले गए, लेकिन अशोका के रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि पर्गिल थ्रॉन और एज्रा को लेकर किसी दूसरी गैलेक्सी में चले गए। अशोका के बहुत समझाने के बावजूद भी अपने दोस्त को बचाने की खातिर सबीन ने उस गैलेक्सी का मैप बेलन के हवाले कर दिया, जिसकी मदद से मॉर्गन एलिजाबेथ की गैंग ने आखिरकार थ्रॉन को ढूंढ ही लिया। एज्रा गैलेक्सी को बचाने की खातिर खुद अपनी जान दांव पर लगाकर थ्रॉन को यहां लेकर आया था, और अब सबीन एज्रा को बचाने के लिए थ्रॉन के आजाद होने की वजह बनेगी। पता नहीं सबीन अब ये बात एज्रा को कैसे समझाने वाली है। बाकी की डिटेल्स हम आगे के रिकैप वीडियोस में कवर करेंगे।
Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।